अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे खुश होंगे और मज़े में होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जैसे कि आपको पता है सर्दियाँ अब शुरू हो चुकी हैं हाँ, बिल्कुल पीक पे हैं तो मैं आज आप लोगों के लिए सर्दियों के लिहाज से एक बड़े मज़े की रेसिपी लाई हूँ तो आज मैं बना रही हूँ पीनट केक बहुत ही डिफ़रेंट सी रेसिपी और बहुत मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत आसान है और चले देखते हैं ये कैसे बनता है तो जब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ये देखें ये मैंने जो है वो बेकिंग पैन जो है ले लिया है केक का मोल्ड इसको मैंने ग्रीस कर लिया था बटर पेपर लगा दिया और इसमें मैं अब ये शुगर है इसको मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ से मैंने ऑयल से ग्रीस किया हुआ है और अब मैं इसमें जो है पीनट्स है वो इससे कवर कर दूंगी पीनट्स से क्योंकि जब ये शुगर जो है वो मेल्ट होगी तो ये थोड़ा सा क्रिस्टल सा और कैरमल का इसका टेस्ट आएगा जो कि बहुत मज़े का होगा इस तरह से मैं इसको सारे पैन पे जो है वो पीनट लगा दूँगी और देखें यहाँ मैं जल्दी जल्दी जो है वो पीनट लगा रही हूँ ये देखिए अलहदुल्ल्या मैंने पीनट से देखें इसको कवर कर दिया है अब तो मैं इसको साइड पे कर दूंगी और हम लोग केक की तैयारी की तरफ चलते हैं ये मैंने एक कप मैदा लिया है इसमें मैं एक टी स्पून जो है वन टी स्पून बेकिंग पाउडर और वन बाय फोर टी स्पून जो है मैं इसमें सॉल्ट लिया है और वन बाय फोर टी स्पून ही मैंने इसमें बेकिंग सोडा लिया है जिसे हम मीठा सोडा भी कहते हैं और इन सब चीज़ों को मैं स्विफ्ट कर लूँगी एक दफ़ा छान लूँगी और मैं इसको जो है साइड पे रख दूँगी और ये मैंने जो है वन बाय थर्ड कप जो है वो ऑयल लिया है मतलब एक कप का तीसरा हिस्सा और एक कप मैं इसमें जो शुगर डाल रही हूँ ये पिसी भी चीनी जैसे हम कहते हैं आइसिंग शुगर है आम चीनी को आप पीस लें और अब मैं इसको बीट करूँगी अच्छे से अच्छे से मिक्स हो जाए कि बिल्कुल लम्ब ना बने हुए और बिल्कुल फ़ाइन सी ये जो है इसका बैटर बन जाए और मैं यहाँ पे दो अंडे शामिल कर रही हूँ साथ ही मैं यहाँ पे जो है वो विनीला एसेंस भी डाल दूँगी और हम इसको अच्छे से बीट करेंगे यहाँ पे अंडों को इतना हम लोगों ने इसको बीट करना है कि ये जो येलोस से हैं जो बिल्कुल क्रीमी सा और वाइट सा इसका लुक आ जाए जैसे कि मैं पहले आपको जब भी केक बनाती हूँ तो मैं हर वीडियो में आपको यही कहती हूँ कि अंडों को बहुत अच्छे से हमने बीट करना है कि इसकी क्रीमी सी लुक हो जाए और साइज में भी थोड़े डबल हो जाए क्योंकि जितने अच्छे अंडे बीट होंगे केक उतना ही मज़े का और सॉफ़्ट बनेगा तो ये देखें अलहमदिल्ला अंडे बीट हो रहे हैं देखें बिल्कुल क्रीमी से और ये देखें वाइट से बिल्कुल हो गए हैं ये बीट हो गए तो अब मैं थोड़ी देर में इसमें जो ड्राई हमारा मिक्सचर है उसको हम ऐड करेंगे आहिस्ता आहिस्ा से हमें यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ह से इसको ऐड करूँगी और बीट कर लूँगी अब बीटर यहाँ पर हमने ज़्यादा नहीं चलाना बस थोड़ा सा हमने एक से दो मिनट बीटर चलाना है यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा बीटर चलाऊंगी ताकि बस ये मिक्स हो जाए और फिर हम स्पैचुला की मदद से हम चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे ये देखें ये मिक्स हो गया था मैं इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करूँगी ये इसमें मैं सारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं जो मैंने क्रश कर लिया था वो मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम भी है मूँगफली भी है पीनट्स भी हैं और इसमें बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स भी हैं इसको हमने पीस लिया था मैंने और मैंने इसको इसमें मिक्स कर दिया है पाउडर फॉर्म में कर लिया था बहुत ज़्यादा पाउडर फॉर्म नहीं थी क्रश किया हुआ है जस्ट उसको हम मिक्स कर लूँगी यहाँ मैं थोड़ा सा वॉम मिल्क ऐड करूँगी थोड़ा थोड़ा हमने ऐड करना है ताकि बैटर जो है वो ज़्यादा पतला ना हो जाए उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये देखें बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है ना ही बहुत थिक है और ना ही बहुत पतला है ये और अब मैं हम इसको जो हमने मोल्ड तैयार करके रखा हुआ है पीनट्स के साथ अब उसमें इस बैटर को डालेंगे हम ये देखें अब इसमें हम बैटर को शामिल कर देंगे इतना मज़े का ये केक अलहमदल्ला तैयार होगा और आप जिसको भी खिलाएंगे आपको सबसे जो है इसको दोबारा बनाने की इंशाल्लाह फरमाइश आएगी बहुत ही टेस्टी केक बनेगा ये और वैसे भी जो चीज़ आप दिल से बनाते हैं तो वो वैसे ही बहुत अच्छी बनती है तो जब भी आप कुकिंग करें तो दिल से किया करें क्योंकि जब आप दिल से कोई काम करते हैं तो वो काम खुद बहुत अच्छा होता है और उसमें अल्लाह पाक की रहमत और बरकत भी शामिल हो जाती है तो ये देखें इसको मैं टैप कर दूंगी ताकि इसकी एयर बबल रिमूव हो जाए और ये देखें मैंने पतीला जो है वो गरम कर लिया था हमने इसमें जो है इसको पैन को मैंने रख दिया है ये देखें 40 मिनट के बाद मैंने मैं आपको तो पिक से दिखाती हूँ इसको वो देखें बिल्कुल पक गया है तो मैं इसको प्लेट में निकालूँगी और देखें मैं बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ तो देखें किस तरह से अलहदुल्ल्ला जो शुगर हमने ऐड की थी वो किस तरह से ऊपर जो है वो क्रिस्टल्स की तरह लग रही है और पीनट भी और कितना सॉफ्ट अलमद्ला केक बना है ये देखें मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करूंगी और फिर मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ और ये देखें मज़ेदार सा पीनट केक तैयार है अभी मैं आपको इसको कट करके इसका स्लाइस भी दिखाती हूँ आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग को भी ये रेसिपी पसंद आएगी बहुत डिफरेंट सी रेसिपी है और विंटर्स के लिहाज से बहुत ही स्पेशल है और ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा फ़ी अल्लाह